हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 17 बताने जा रहा हूँ, है ना। रेलवे टेस्ट सीरीज पार्ट 17, तो ये आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एज ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड बाय, मतलब जो पृथ्वी की आयु है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो वो हम पता लगा सकते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, ठीक है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम अपने मतलब जो अर्थ की जो है वो बता सकते हैं क्या एज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो आर्ट एंड साइंस का जो मैप मेकिंग होता है तो उसको क्या कहा जाता है ना, मैप मेकिंग उसको आखिर कहा क्या जाता है, तो उसको कहा जाता है कार्टोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफी इज द राइट आंसर, ठीक है। मैपिंग हमेशा दिया रहता है, तो मैपिंग इज नॉट अ राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर है आपका फोर्थ नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मतलब जो स्पीकर का लोकसभा है, मतलब लोकसभा का जो स्पीकर है वो किसको अपना रेजिग्नेशन देगा, तो वो देता है, वो किसको देगा, वो देता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। किसको देगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन टू कंट्रीज रेफर टू एज, मतलब जो कमोडिटीज का एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज होता है टू कंट्रीज के बीच में, वो मतलब किसके उसमें रेफर किया गया है, तो वो जो है वो किया जाएगा आपका मल्टीलेटरल ट्रेडिंग में आएगी, ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग में आएगी ये चीज, ठीक है। चलिए, अगर जो एथेनॉल है कंटेनिंग 5% वाटर, एथेनॉल है अगर 5% वाटर वो कंटेन कर रहा है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से, ठीक है। रेक्टिफाइड स्प्रिट के नाम से हम जानते हैं एथेनॉल में अगर 5% पानी है तो। अब कौन सा मटेरियल है जो पेंसिल की लीड बनाने के लिए यूज़ की जाती है ना, तो वो की जाती है ग्रेफाइट, बताने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेफाइट। अगला, च्युइंगम जो होता है, च्युइंगम वो किससे बना होता है, ठीक है। तो च्युइंगम बना होता है लेटेक्स से, ठीक, च्युइंगम बना होता है लेटेक्स से जो हम खाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से पूछ रहा है वो, ठीक है, हु अमंग, इन ही चारों में से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ब्रेन किसका होता है, तो इन चारों में से सबसे बड़ा ब्रेन होता है आपका स्पर्म व्हेल का, ठीक है, ठीक, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। वो ऐसे तो और भी कुछ चीज़ें होंगी जिनका वेट ज़्यादा होगा, जिनके दिमाग का, वो आने वाले टेस्ट सीरीज में मैं ज़रूर कवर करूँगा उनको। और अगर आपको अभी अगर पता है उसका आंसर, तो आप मुझे बताएं कि सबसे हैवीएस्ट ब्रेन किसका होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेल का होगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर है ना, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो करता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन पे ट्रांसफॉर्मर आपका वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है डिटर्जेंट्स, क्या है ये क्वेश्चन, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा आपको इसका आंसर, आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि आखिर डिटर्जेंट्स हैं क्या, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको बताना है इसका आंसर, आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन कितना है, 206 होते हैं, ठीक, 206 होते हैं एडल्ट ह्यूमन में हड्डियों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोग्राफी मेक्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस, मतलब रेडियोग्राफी में किस गैस का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है रेडॉन, ठीक है, रेडॉन का यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफी में। अगला, द फोक डांस गरबा, गरबा कहाँ का फोक डांस है, गरबा कहाँ का है, गुजरात का है, सबको पता होगा गुजरात का डांस है गरबा। अगला देखते हैं कि जो स्पीस नेम है क्लोव, वो मतलब कहाँ से, प्लांट के किस पार्ट से मतलब गेट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लावर बर्ड से, ठीक है, फ्लावर बर्ड से यूज़ किया, मतलब ऑब्टेन किया जाता है क्लोव को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन है वो जिनको भारत रत्न भी मिला था और निशाने पाकिस्तान भी मिला था। मतलब निशाने पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है पाक का। जैसे कि अपने यहाँ का भारत रत्न है ना, उस हिसाब से यहाँ का निशाने पाकिस्तान है। तो ये दोनों किसको मिल चुका है? तो ये दोनों मिल चुका है मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई को मिल चुका है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बैंक चेक्स आर प्रपोज्ड बाय यूजिंग, मतलब जो बैंक चेक आजकल जो होते हैं वो प्रोसीड, ठीक है, प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसीड किया जाता है उनको, प्रोसेस जो किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मतलब क्या? तो उस पर एक लिखा रहता है MICR कोड के थ्रू। मतलब जो MICR होता है उसमें देखिए IFSC कोड भी लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन चेक्स पे जो नंबर्स लिखे रहते हैं वो लिखे रहते हैं आपके मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो रीडर है ना, इसके द्वारा ही चेक्स जो है आपके मतलब फॉलो किए जाते हैं बैंक्स में, ठीक है, और IFSC कोड भी उस पर लिखा रहता है, ठीक है, चेक पे, लेकिन आंसर है आपका MICR। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा है जो वैक्सीन नहीं है एक, ठीक है, तो पॉजिट्रॉन इज नॉट अ वैक्सीन, ये एक हार्मोन है, ठीक है, ये एक हार्मोन है पॉजिट्रॉन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेतान ट्रॉफी है ना, खेतान ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो देखिए एक चीज़ आपको बताऊं, इसको याद करने का तरीका क्या है, खेतान क्या है? पंखा, खेतान के पंखे आते हैं, ठीक है, तो पंखे आते हैं ना, तो ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड हो गई? पंखा आता है। अब चेस मान ली, ये आज का आंसर है चेस। देखिए फुटबॉल खेलते हैं तो क्या आपको पंखे की जरूरत पड़ती है? नहीं। टेनिस खेलते हैं तो क्या आपके ऊपर पंखा लगा रहता है? नहीं, क्योंकि ग्राउंड में खेलते हैं। बास्केटबॉल भी खेलते हैं तो क्या पंखा रहता है? नहीं, ग्राउंड में खेलते हैं। लेकिन चेस आप रूम में भी बैठ के खेल सकते हैं, तो वहाँ पर आपका फैन जो है चल सकता है, ठीक है, फैन जो है चल जाएगा और यहाँ पर आप बैठ के चेस खेल पाएंगे, ठीक है, पंखे के नीचे, ठीक ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? चेस। अगला, नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल गुड गवर्नेंस डे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रेस्पायरेशन इज रिगार्डेड एज, मतलब जो रेस्पायरेशन हमारा सिस्टम है उस वो क्या है, मतलब कौन सा प्रोसेस है? तो वो है आपका कैटाबोलिक प्रोसेस, उसको हम कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है, हमारा जो रेस्पायरेशन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रॉय इज, ठीक है, तो इसका आंसर है योक, योल्क साक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था आपको जी शंकर कुरूप को। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसके पोस्टल स्टैम्प पर उस कंट्री का नेम नहीं होता? तो वो है आपका UK, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ के जो स्टैम्प होते हैं पोस्टल स्टैम्प, उन पर उनके कंट्री का कहीं नाम नहीं होता, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला क्वेश्चन, कारागम कहाँ का डांस है, किस स्टेट का डांस है? तो कारागम जो है आपका तमिलनाडु का डांस है, कारागम फोक डांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर ऑफ, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन विनर कॉन्टेस्ट मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स मतलब कौन थी इंडिया की? तो वो थी आपकी कौन? सुष्मिता सेन, ये आपको याद रखना है, सुष्मिता सेन इज द राइट आंसर। लाइट जो है आपका स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन, ठीक है, किसमें लेते हैं? तो ये लेता है आपका कोलाइडी सॉल्यूशन में जो है लाइट का मतलब स्कैटरिंग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क या जो बुद्धिस्ट साधु थे, उन्होंने बुद्धिस्ट में मतलब किसने तिब्बत में बुद्धिस्ट को स्प्रेड किया था, किसने उसको फैलाया था? तो उसका नाम है आपका, उनका नाम है पद्मसाम्भाव, ठीक है, पद्मसाम्भाव, ठीक है, पद्मसाम्भाव, ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सन है हमारा सूर्य, उसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? तो आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं हम कोरोना, ठीक, कोरोना कहते हैं उसको। जो अटर्नी जनरल होता है हमारा, ठीक है, वो मतलब उसको अधिकार है, मतलब क्या अधिकार है, मतलब कहाँ, किस हाई कोर्ट में वो जाके बैठ सकता है, ऐसा है क्या? तो आंसर है एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके वो बैठ सकता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारा, ठीक है, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल होता है 76, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज, मतलब वैदिक एज का सिविलाइजेशन का मतलब किस वेद में इंफॉर्मेशन हमको मिली सबसे पहले? तो वो मिली ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक नॉर्मली गिव्स, तो वर्ल्ड बैंक जो होता है वो मतलब क्या, मतलब कैसा लोन देता है, किस टाइप का लोन देता है? तो वो देता है मीडियम भी देता है और लॉन्ग टर्म लोन दोनों देता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के लोन लोन देता है आपका कौन, वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द यूनिवर्सिटी विच बिकम, है ना, विच बिकेम फेमस इन द गुप्त एरा, गुप्त एरा, ठीक है, गुप्त एरा में कौन सा? तो गुप्त एरा के समय नालंदा आपका फेमस हुआ था और तक्षशिला जो है सबसे पुराना आपका यूनिवर्सिटी है। तो आंसर है, लेकिन है इसका क्या, नालंदा, नालंदा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, फादर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अगला देखते हैं, अब जो डिसीज है, ठीक है, डिसीज है जो एब्सेंस, मतलब द डिसीज कॉज्ड बाय एब्सिस्टॉम, ठीक है, एब्सटॉस, ठीक है, तो एब्सटॉस से मतलब कौन सी डिसीज हो जाती है, ठीक है, तो वो हो जाती है एम्फिसीमा, ठीक है, एम्फिसीमा डिसीज हो जाती है। देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट कहा जाता है आपको मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट, ठीक है। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन बाय, मतलब सिल्क रूट किनके द्वारा ओपन किया गया था? तो वो था कनिष्क, कनिष्क ने सिल्क रूट को ओपन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है आपका वो है गुजरात में, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन, सूडान की करेंसी क्या है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूडान की करेंसी क्या है? तो सूडान की करेंसी है आपकी दिनार, दिनार इज द राइट आंसर, ये सूडान की करेंसी है दिनार। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है।